नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मैप्स के बारे में। मानचित्र का जो आपका पार्ट है उसी को देख रहे हैं हम लोग, जिसमें जैसे झीलें हम लोग देख ही चुके हैं, नदियां हम लोग प्रमुख देख चुके हैं, मरुस्थलों, फिर आपके चाहे वे पठारों, ये सभी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अंतरिम भी देख चुके थे हम लोग। इसमें हमें देखना है विश्व के प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में। इसके बारे में विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप याद रखिए, सबसे पहले तो याद रखिए प्रायद्वीप होते क्या है। आपके भूमि के बे हिस्से जिनके चारों ओर पानी होता है, जिनके चारों ओर पानी से घिरे रहते हैं, पर यह मुख्य भूमि से एक भूसंधि के द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल और एक ओर स्थल होता है। जैसे कि आपका काठियावाड़ गुजरात प्रायद्वीप है, दक्कन प्रायद्वीप, ग्वादर प्रायद्वीप पाकिस्तान में, जाफना प्रायद्वीप आपका श्रीलंका में। ठीक, तो चलिए अब इनकी सबसे पहले हम लोग एक बार पृथ्वी को देख लेते हैं। ठीक है, उस पर कहां कौन सा देश है, इससे आपको एक अंदाजा रहेगा कि ये आपका यहां है, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, इसमें सबसे पहले याद रखिए एशिया, ये आपका एशिया। ठीक है, रूस, मंगोलिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया है, उत्तरी कोरिया है, ये भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, नीचे आपका श्रीलंका है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, नेपाल देख लिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये आपका एशिया है। ठीक है, नीचे आए तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आपका न्यूजीलैंड, पपुआ न्यूगिनी, इसे याद रखिए इस बार अंटार्कटिका। ठीक है, फिर हिंद महासागर है आपका, फिर ये है आपका दक्षिण, ये ऊपर देखिए आपका यूरोप है, ग्रीस, रोमानिया, तुर्की भी यूरोप में कुछ हिस्सा आता है इसका, रूस का भी आता है, यूक्रेन, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है, ये है आपके, फिर अफ्रीका है आपका पूरा, नाइजर, चाड, कांगो, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, यहाँ आपका ग्रीनी की खाड़ी है, ये आपका भूमध्य सागर है। ठीक है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, बोलीविया, ब्राजील, सुरीनाम, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, यही आपका निकारागुआ है, ग्वाटेमाला, कैरिबियाई सागर, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, कनाडा, मैक्सिको, हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, ये है आपका मोटा मोटा। ठीक, और भारत के बारे में अगर देखना है कि कौन कौन से देश इसकी सीमा लगती है, तो ये आपका भारत, इसमें सबसे ज्यादा लगती है आपकी नेपाल, उससे बांग्लादेश से, किससे लगती है, बांग्लादेश से यहाँ। ठीक है, और ये आपका भूटान है, फिर सबसे कम लगती है आपकी अफगानिस्तान से, ये पीओके वाला थोड़ा सा हिस्सा लगता है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान से हो गया, ये आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार, नेपाल, ऊपर चीन है। ठीक है, चलिए अब इनकी स्थिति देखते हैं हम लोग, प्रायद्वीप कहाँ कौन प्रायद्वीप है, देखिए एक बार ये आपका पूरी पृथ्वी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो आप लोग घूम नहीं रहे हो, इसलिए यहीं से देख लेते हैं। ये आपका अंटार्कटिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ये आपका एशिया है, यहाँ यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, ऊपर उत्तरी अमेरिका हो गया। तो सब बात करते हैं हम लोग प्रमुख प्रायद्वीप। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस की तरफ के एशिया में, तैमर प्रायद्वीप, कौन सा, तैमर प्रायद्वीप। तो इसके बारे में याद रखिए कि लेफ्ट टेव सागर एवं कारा सागर के मध्य रूस में अवस्थित है, कहाँ है, रूस में। खैर, आपका कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप जो है आपका, यह प्रायद्वीप रूस के पूर्वी भाग में ओखोटस्क सागर के उत्तर में स्थित है, आयोसियो
ठंडी जलधारा के प्रभाव से यह एक ठंडा प्रायद्वीप है। यह प्रायद्वीप रूस का तेल क्षेत्र है यहाँ। ठीक, फिर है आपका कोरिया, ये आपका कोरिया प्रायद्वीप है। कोरिया प्रायद्वीप के बारे में याद रखिए कि ये आपका जापान एवं पीला सागर के मध्य अवस्थित यह प्रायद्वीप। यह प्रायद्वीप कोरिया जलसंधि द्वारा जापान से अलग होता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इसी प्रायद्वीप पर अवस्थित हैं आपके। ठीक है, फिर आपका गाटुंग प्रायद्वीप। गाटुंग प्रायद्वीप जो है आपका ये पुहाई की खाड़ी एवं पीला सागर के मध्य स्थित चीन का एक प्रायद्वीप है। यहाँ लोह अयस्क एवं कोयले के का खनन है। यहीं पर चीन का यूनान पठार भी है आपका। ठीक है, फिर आपका क्वालून है। ये आपका क्वालून है। क्वालून आपका यह चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित है। चीन का प्रसिद्ध मंचूरिया का मैदान यहीं अवस्थित है। ठीक, फिर है आपका दक्कन, सॉरी ये मलाया भी देख लेते हैं, फिर दक्कन पर चलते हैं। मलाया प्रायद्वीप क्या है? मलाया प्रायद्वीप, इसके बारे में याद रखिए कि थाईलैंड और मलेशिया में विस्तृत है। यह प्रायद्वीप एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। कोरार का पठार इसी भाग में स्थित है। ठीक है, फिर आपका दक्कन का प्रायद्वीप है, ये भारत में आपका कहाँ है? दक्कन का भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विस्तृत है। प्रायद्वीप प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित गोंडवाना लैंड का भाग है। यह खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान कोलार, कर्नाटक इसी प्रायद्वीप में अवस्थित है। फिर आपका हिंद चीन प्रायद्वीप, ये आपका हिंद चीन प्रायद्वीप हो गया। इसके बारे में याद रखिए, यह प्रायद्वीप थाईलैंड की खाड़ी तथा थिंकिन की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। इसका विस्तार थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस में है। ठीक है, नीचे चलें, ये अरब सागर है, अरब प्रायद्वीप, सॉरी अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप है। इसके बारे में याद रखिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह एक मरुस्थलीय प्रायद्वीप है। यह सुदूर एवं पूर्व एशिया में विस्तृत है। इस प्रायद्वीप पर सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतार व कुवैत आदि देश बसे हुए हैं। यह फारस की खाड़ी एवं लाल सागर से घिरा हुआ प्रायद्वीप पेट्रोलियम संसाधन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, कीमिया कौन सा? कीमिया प्रायद्वीप कौन सा? कीमिया क्रीमिया प्रायद्वीप आपका, ये आपका क्रीमिया प्रायद्वीप। यूक्रेन के दक्षिण भाग में काला सागर तक विस्तृत है। यूक्रेन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ लोह एवं खनिज भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रायद्वीप का की आकृति हीरे जैसी होती है। ठीक, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यह केप यार्क प्रायद्वीप, केप यार्क प्रायद्वीप, इसके बारे में याद रखिए कि यह प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के उत्तरी भाग में अवस्थित है। यह प्रायद्वीप बॉक्साइट उत्पादन हेतु विश्व में प्रसिद्ध है। आयर प्रायद्वीप आपका, आयर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी मध्य में विक्टोरिया मरुस्थल के पूर्व विस्तृत। यह प्रायद्वीप एक अत्यंत उपजाऊ भूमि है। यह खनिज संसाधन से संपन्न है। यहीं पर आपकी आयर झील है। फिर आपकी मावी माविया प्रायद्वीप, यह आपका मावी या प्रायद्वीप है। इसके बारे में याद रखिए कि माविया न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पूर्वी भाग में अवस्थित है। यहाँ न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग एवं भेड़ पालन स्थित है। यह आपका बैक्स प्रायद्वीप है। यह प्रायद्वीप न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित है। न्यूजीलैंड का प्रसिद्ध कैंटीवरी का मैदान इसी प्रायद्वीप का भाग है। यहाँ भी भेड़ पालन एवं डेयरी उद्योग विकसित होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ अंटार्कटिका में है, कौन सा? पाल्मर द्वीप, कौन सा? पाल्मर प्रायद्वीप। यह प्रायद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप का एक मात्र ऐसा स्थान है जो कुछ समय के लिए हिम से मुक्त होता है। ठीक है, यूरोप में चलना है। कीमिया देख ही लिया है यूरोप का,
फिर है आपका बालकन, आपका बालकन कौन सा है, बालकन प्रायद्वीप। तो इसके बारे में याद रखना है, बालकन प्रायद्वीप के बारे में, कि दक्षिणी पूर्व यूरोप में स्थित प्रायद्वीप में अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस व तुर्की आदि देश बसे हुए हैं। यह काष्ठ स्थलाकृतियों का प्रदेश है। लोकतंत्र का जन्म इसी प्रायद्वीप से माना जाता है, ठीक है, बालकन प्रायद्वीप से। बालकन के बाद आपका यही इटली है, ये आपका इटली का प्रायद्वीप। इटली का प्रायद्वीप, इटली में अवस्थित यह प्रायद्वीप अपने उपजाऊ मैदानों हेतु प्रसिद्ध है। इटली का लोम्बार्डी का मैदान इसी प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है। फिर आपका यही आपका आइबेरियन प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप। प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित यह प्रायद्वीप स्पेन व पुर्तगाल में स्थित है। इसी प्रायद्वीप पर मेसेटा पठार अवस्थित है। इसी प्रायद्वीप पर सेरा मुरेना, सेदा सेरा नवेदा जैसी पहाड़ियां स्थित हैं। यहाँ लोहे एवं पारा बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब फिर आपका जूटलैंड, यह आपका जूटलैंड प्रायद्वीप है। यह उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य यूरोप में स्थित है। डेनमार्क इसी प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। यहाँ डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका जूटलैंड। फिर आपका स्कैंडियन प्रायद्वीप है, यह है आपका स्कैंडियन स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। यह प्रायद्वीप नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड में स्थित है। यह प्राचीन बाल्टिक शील्ड का भाग है। यह अपने फियर्ड तटों के कारण प्रसिद्ध है, कटे फटे तटों के कारण। यह डेयरी उद्योग का काफी समृद्ध है। तो ये यूरोप के एक बचा आपका कोला, कोला प्रायद्वीप कौन सा है, कोला प्रायद्वीप। तो कोला प्रायद्वीप के बारे में आपको याद रखना है कि श्वेत सागर में बेरेंट सागर के मध्य विस्तृत एक प्रायद्वीप जो रूस का भाग है। यहाँ बॉक्साइड का प्रचुर भंडार है। सोवियत रूस का सर्व मौसमी पतन मोर्मोस्क इसी प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के। अब चलते हैं अफ्रीका में। सबसे पहले बात करते हैं सिनाई प्रायद्वीप के बारे में। किसके, सिनाई प्रायद्वीप। मिस्र के एशियाई भूखंड पर अवस्थित इस प्रायद्वीप के पश्चिम स्वेज जलसंधि, दक्षिण सागर, लाल सागर, पूर्वी अकाबा की खाड़ी, यहाँ खनिज तेल के प्रचुर भंडार अवस्थित हैं। यह एशिया और अफ्रीका दोनों में है, ठीक है, याद रखिए एशिया और अफ्रीका दोनों में। फिर आपका उत्तरी गुआना प्रायद्वीप, यह है आपका उत्तरी गुआना प्रायद्वीप, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए कि यह प्रायद्वीप अफ्रीका के गिनी की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। इस प्रायद्वीप में गिनी, घना, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, टोगो, बेनिन आदि देश बसे हुए हैं। फिर आपका ये यहाँ आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप। इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती के उच्च पठारी भाग में स्थित इस प्रायद्वीप को सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका का अल्प विकसित प्रदेश है। मत्स्य और कृषि यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अब चलते हैं हम उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका, युकाटन प्रायद्वीप, ये आपका युकाटन प्रायद्वीप। इसके बारे में याद रखना है युकाटन प्रायद्वीप के, युकाटन प्रायद्वीप कि मैक्सिको का एक प्रायद्वीप जो मैक्सिको की खाड़ी के को कैरिबियन सागर से अलग करता है। यह कैंपेच की खाड़ी, होंडुरास की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। यह मैक्सिको बिलीज तथा ग्वाटेमाला में विस्तृत है। एक चांदी बहुल क्षेत्र है। यहीं पर प्राचीन माया सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। फिर आपका ऊपर चलते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप, कौन सा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इसके बारे में याद रखिए कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित है। यह सुंदर बीचों और आइसक्रीम उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। फिर आपका लिब्राडोर प्रायद्वीप, या पर लिब्राडो प्रायद्वीप। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में विस्तृत यह प्रायद्वीप प्री कैम्बियन काल के प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है। यह लोहे और कोयले का प्रचुर भंडार है। उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा प्रायद्वीप के बारे में बात करें तो याद रखना है आपको
अर्थन की खाड़ी एवं उंगावा की खाड़ी के मध्य विस्तृत यह कनाडा के लिब्राडोर प्रायद्वीप का भाग है। यहाँ डैम लेन का सबसे बड़ा निक्षेप पाया जाता है। यह प्रायद्वीप खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। ठीक, बूथिया प्रायद्वीप, ये आपका बूथिया प्रायद्वीप है। इसके बारे में याद रखिए कि बूथिया की खाड़ी के पास स्थित कनाडा का भाग है। यह प्रायद्वीप खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। ठीक है, फिर आपका ये कौन सा है, बाजा, बूथिया बाजा, कौन सा, बाजा प्रायद्वीप। बाजा प्रायद्वीप के बारे में याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित यह प्रायद्वीप उत्तरी मेक्सिको तक विस्तृत है। यहाँ आड़ू फल बहुतायात उत्पादन होता है। यहाँ कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है। ये आपका अलास्का प्रायद्वीप है, अलास्का प्रायद्वीप। इसके बारे में याद रखिए कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत के दक्षिण तट के सहारे विस्तृत एक पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र। यह सोना, टिन, तांबा एवं पेट्रोलियम संसाधन से संपन्न है। ठीक, आपका फिर सेवायड प्रायद्वीप है, कौन सा, सेवायड द्वीप। अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित यह प्रायद्वीप बेरिंग जल संधि द्वारा रूस से अलग होता है। यह प्रायद्वीप खनिज संसाधन संपन्न है। ठीक है, फिर आपका ये मेलविथ प्रायद्वीप है। मेलविथ प्रायद्वीप जो आपका है, इसके बारे में याद रखिए कि कनाडा के एलिजा वेथ द्वीप पर द्वीप समूह पर अवस्थित यह प्रायद्वीप कनाडा का प्रायद्वीप है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। मिलविले प्रायद्वीप। ठीक है, तो लगभग लगभग ये आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रायद्वीप थे हम लोगों ने देख लिए। अब इनके बारे में जो आपको पॉइंट याद रखना है उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगला है सेवायड प्रायद्वीप। सेवायड प्रायद्वीप के बारे में आपको याद रखना है कि अलास्का के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित यह प्रायद्वीप बेरिंग जल संधि द्वारा रूस से अलग होता है। यह प्रायद्वीप खनिज संसाधन संपन्न है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का सामरिक महत्व वाला क्षेत्र भी है, सेवायड प्रायद्वीप। फिर आपका अलास्का प्रायद्वीप, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत के दक्षिणी तट के सहारे विस्तृत एक पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र है। यह सोना, टिन, तांबा, पेट्रोलियम संसाधन से संपन्न क्षेत्र है। फिर आपका बूथिया प्रायद्वीप है, बूथिया की खाड़ी के पास स्थित कनाडा का भाग है। यह प्रायद्वीप खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। मेलविले प्रायद्वीप, कनाडा के एलिजाबेथ द्वीप समूह पर अवस्थित यह प्रायद्वीप कनाडा का प्रायद्वीप है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। उंगावन प्रायद्वीप, हडसन की खाड़ी एवं उंगावा की खाड़ी के मध्य विस्तृत यह कनाडा के लिब्राडोर प्रायद्वीप का भाग है। यहाँ ड्रेमलिन का सबसे बड़ा निक्षेप पाया जाता है। यह प्रायद्वीप खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। फिर आपका लिब्राडोर प्रायद्वीप, कनाडा के क्यूबेक प्रांत में विस्तृत यह प्रायद्वीप प्रीकैम्बियन काल के प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है। यह कनाडियन शील्ड का पूर्वी भाग है। यहाँ लोह अयस्क एवं कोयले का प्रचुर भंडार है। बाजा प्रायद्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित यह प्रायद्वीप उत्तरी मेक्सिको का तक विस्तृत है। यह आड़ू फल के बहुतायात उत्पादन का क्षेत्र है। यह कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा का प्रभाव है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में विस्तृत है। यह सुंदर बीचों और आइसक्रम उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। यह विश्व प्रसिद्ध मियामी बीच यहीं अवस्थित है। यहाँ फास्फेट का प्रचुर भंडार है। यह लाइम स्टोन की प्रधानता के साथ कार्स्ट स्थलाकृतियों हेतु प्रसिद्ध है। यूकोटन प्रायद्वीप, मैक्सिको का एक प्रायद्वीप जो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से अलग करता है। यह कैम्पेज की खाड़ी और होंडुरास की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। यह मैक्सिको, बेलीज तथा ग्वाटेमाला में विस्तृत है। एक चांदी बाहुल्य क्षेत्र है। यहीं पर प्राचीन माया सभ्यता का विकास हुआ था। आइबेरियन प्रायद्वीप, प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित यह प्रायद्वीप स्पेन व पुर्तगाल में विस्तृत है। इसी प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार अवस्थित है। इसी प्रायद्वीप पर
सेरा मोरेना, सेरा नेवादा जैसी पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। यहाँ लोहे एवं पारा बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आपका जूटलैंड प्रायद्वीप, यह उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर की मध्य यूरोप में विस्तृत है। डेनमार्क की सी प्रायद्वीप पर बसाए यह निम्न भूमि क्षेत्र है। यह प्रायद्वीप अपने डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्कैंडिनेवियाई नेवियन प्रायद्वीप, यह प्रायद्वीप नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड में विस्तृत है। यह प्राचीन बाल्टिक शील्ड का भाग है। यह अपने फियर्ड तटों के कारण प्रसिद्ध है। यही डेयरी उद्योग काफी समृद्ध है यहाँ का। फिर आपका इटली का प्रायद्वीप, इटली में अवस्थित यह प्रायद्वीप अपने उपजाऊ मैदान हेतु प्रसिद्ध है। इटली का लोम्बार्डी का मैदान इसी प्रायद्वीप पर अवस्थित है। एपेनाइन पर्वत श्रेणी इसी प्रायद्वीप पर अवस्थित है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इसी प्रायद्वीप में बसा हुआ है। बाल्कन प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्वी में स्थित इस प्रायद्वीप में अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस व तुर्की आदि देश बसे हुए हैं। यह कास्ट स्थलाकृतियों का प्रदेश है। लोकतंत्र का जन्म इसी प्रायद्वीप से माना जाता है, याद रखना, बाल्कन प्रायद्वीप से। पाल्मर देख लिया, पाल्मर प्रायद्वीप, यह पाल्मर अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप का एकमात्र ऐसा स्थान है जो कुछ समय के लिए हिम से मुक्त रहता है, ठीक है। फिर क्रीमिया प्रायद्वीप, यूक्रेन के दक्षिणी भाग में काला सागर तक विस्तृत यह यूक्रेन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह लोएस्क एवं खनिज तेल भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रायद्वीप की आकृति हीरे जैसी है। फिर कोला प्रायद्वीप, श्वेत सागर एवं बेरेंट सागर के मध्य विस्तृत एक प्रायद्वीप जो रूस का भाग है। यहाँ बॉक्साइड का प्रचुर भंडार पाया जाता है। सोवियत रूस का सर्वमौसमी पतन मोरमुस्क इसी प्रायद्वीप में अवस्थित है। सीनाई प्रायद्वीप, मिस्र एशियाई भूखंड पर अवस्थित इस प्रायद्वीप के पश्चिम स्वेज जल संधि, दक्षिण लाल सागर एवं तथा पूर्व अकाबा की खाड़ी स्थित है। यह खनिज तेल प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। यह एशिया और अफ्रीका दोनों का भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती के उच्च पठारी भाग में स्थित है। इस प्रायद्वीप को सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका का अल्प विकसित प्रदेश है। मत्स्य और कृषि यहाँ की मुख्य अवस्था है। ऊपरी गुआना प्रायद्वीप, यह प्रायद्वीप अफ्रीका गिनी की खाड़ी के उत्तर में विस्तृत है। इस प्रायद्वीप में ग्रीनी, घना, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, टोगो, बेनिन आदि देश बसे हुए हैं। फिर आपका अरब प्रायद्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह एक मरुस्थलीय प्रायद्वीप है। यह सुदूर पूर्व एशिया में विस्तृत है। इस प्रायद्वीप पर सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर व कुवैत आदि देश बसे हुए हैं। यह भारत की खाड़ी एवं लाल सागर से घिरा हुआ प्रायद्वीप पेट्रोलियम संसाधन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। रब अल खाली मरुस्थल इसी प्रायद्वीप पर अवस्थित है। फिर आपका दक्कन का प्रायद्वीप, भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विस्तृत यह प्रायद्वीप प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित गोंडवाना लैंड का भाग है। यह खनिज संसाधन से संपन्न है। भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कोलार इसी प्रायद्वीप में अवस्थित है, कर्नाटक में। मलाया प्रायद्वीप, थाईलैंड और मलेशिया के में विस्तृत यह प्रायद्वीप एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। कोरात का पठार इसी भाग में स्थित है। यह रबड़ की बागवानी कृषि के हेतु प्रसिद्ध है। टिन लोए एस्क एवं बॉक्साइड यहाँ की प्रमुख खनिज है, ठीक है। फिर आपका हिंद चीन प्रायद्वीप, यह प्रायद्वीप थाईलैंड की खाड़ी एवं थैंकिन की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। इसका विस्तार आपका थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस में यह टिन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। फिर आपका गाटुंग प्रायद्वीप, पोहाई की खाड़ी एवं पीला सागर के मध्य चीन का एक प्रायद्वीप है। यहाँ लोहे अयस्क एवं कोयले का खनन होता है। यहीं भी चीन, यहीं पर आपका चीन का यूनान पठार अवस्थित है। कोरिया प्रायद्वीप, जापान एवं पीला सागर के मध्य अवस्थित यह प्रायद्वीप प्रायद्वीप कोरिया जलसंधि द्वारा जापान से अलग होता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया इसी प्रायद्वीप में अवस्थित है। क्वालून प्रायद्वीप, यह चीन के दक्षिण पूर्वी भाग पर विस्तृत है। चीन का प्रसिद्ध मंचूरिया
का मैदान यहीं अवस्थित है। यह लोह अयस्क एवं कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका कमचटका प्रायद्वीप, यह प्रायद्वीप रूस के पूर्वी भाग में ओखोटस्क सागर के उत्तर में अवस्थित है। आयोसियो ठंडी जलधारा के प्रभाव से यह एक ठंडा प्रायद्वीप है। यह प्रायद्वीप रूस का तेल क्षेत्र है। यहाँ पर कैपियार प्रायद्वीप, यह प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के उत्तरी भाग में विस्तृत है। यह प्रायद्वीप बॉक्साइड उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। बॉक्साइड की प्रमुख बीफा की खान यहीं अवस्थित है। इसका निर्माण सागरीय निक्षेपों से हुआ है। फिर आपका आयर प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण मध्य भाग में विक्टोरिया मरुस्थल के पूर्व विस्तृत यह प्रायद्वीप एक अत्यंत उपजाऊ भूमि है। यह खनिज संसाधन संपन्न है। यहीं पर आपकी आयर झील स्थित है। माविया प्रायद्वीप न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पूर्वी भाग में अवस्थित यह न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग एवं भेड़ उत्पादन होता है। यहाँ पर आपका बैंक्स प्रायद्वीप, यह प्रायद्वीप आपका न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित है। न्यूजीलैंड का प्रसिद्ध कैंटीवरी का मैदान इसी प्रायद्वीप का भाग है। यहाँ भी भेड़ पालन एवं डेयरी उद्योग विकसित अवस्था में। तैमूर प्रायद्वीप, लेप्टियो सागर और कारा सागर के मध्य रूस में अवस्थित है आपका। ठीक है, तो ये थे आपके विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। ठीक है।